आपका स्वागत है। मेरी नई नई प्यारी प्यारी स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टुनटुन चिड़िया को लगी पड़ोसी चाची की नजर। अरे टुनटुन, 10 बज गए, तुम उठी नहीं आज? तबीयत तो ठीक है ना बेटा तुम्हारी? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे तुम्हें तो बुखार है, मैं बोलती थी ना लाल रंग की ओढ़नी लेकर बाहर मत निकला करो। दरअसल पिछले कल टुनटुन घूमने गई थी और उसकी माँ को लगता है कि जब भी वो सुंदर बनकर लाल रंग पहनकर बाहर जाती है तो उसे दूसरों की नजर लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माँ, मैंने रात को आइसक्रीम खा ली थी तो ऐसा हुआ होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चलो मेरे साथ, उठो जल्दी चलो। टुनटुन की माँ कोयल उसे कलुए कौए के पास लेकर जाती है। वह गांव का जाना माना तांत्रिक बाबा होता है। बोलो कन्या, क्या हुआ? दिखने से तो ये बीमार लग रही है, क्या ये सच है? हाँ बाबा, कल से ये बीमार है, इसे नजर लग गई है। कितनी बार मैंने इसे समझाया है, बाहर अच्छे कपड़े पहनकर मत जाया कर, सुंदर बनकर मत जाया कर, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनती है। अरे शांत रहो बालिका। हाँ बाबा ठीक है, आप जरा कुछ कीजिए ना। टुनटुन उदास मुंह लटकाए मन ही मन में बातें कर रही होती है। इससे अच्छा तो मैं मम्मी को बताती ही नहीं, हमेशा छोटी छोटी बात पर यहाँ लेकर आ जाती है मुझे, क्या ही करूँ मैं इस अंधविश्वास का। बाबा ध्यान लगाए बैठे हैं और टुनटुन को कुछ खाने को देते हैं। टुनटुन को वो चीज खाने पड़ती है पर टुनटुन वहीं पर उल्टी कर देती है, क्योंकि टुनटुन को वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टुनटुन को उल्टी होते ही बाबा बोलने लगता है, देखा इसकी नजर इस उल्टी के माध्यम से निकल गई। कोयल और वहाँ बैठा एक पंछी बाबा की जय करने लगते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। माँ चले, घर चले क्या? अब तो मैं ठीक हूँ। कोयल और टुनटुन वापस आ जाते हैं पर टुनटुन की तबीयत घर आते ही और तेज बिगड़ जाती है। टुनटुन अपनी माँ को बताती है कि उसे वो दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने बाबा के सामने उल्टी कर दी थी। टुनटुन माँ से कहती है, पर आपको तो फिर भी बाबा पर ही भरोसा होगा ना? हे भगवान, अभी तो बाबा ने इसकी नजर उतारी थी, अभी क्या हो गया? वहाँ से डॉक्टर तोता अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। कोयल उन्हें बुलाती है, अरे डॉक्टर साहब जरा 2 मिनट के लिए मेरी टुनटुन को देखिए ना, बहुत बीमार है। डॉक्टर टुनटुन का बुखार चेक करते हैं और उसे एक दवाई देते हैं, जिससे टुनटुन कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे ठीक किया। अरे ये तो हमारा काम है, हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? कोयल भी डॉक्टर को धन्यवाद करती है। देखा मम्मी, आप बताओ आपके बाबा काम आए या डॉक्टर, आप ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ करिए। दोस्तों, अंधविश्वास लोगों के दिमाग को और भी ज्यादा उलझा देता है। मेरी मानो तो प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान देना सीखो और जिंदगी को अच्छे से जियो। धन्यवाद।